इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में 1.5 साल के बाद कार्य परिषद की बैठक हुई। हर बार की तरह इस बार भी बैठक हंगामेदार और आरोपों से घिरी रही। परिषद की बैठक में 33 मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें विवाद का मुद्दा सोविता कर्मचारियों के वेतन वृद्धि और नियमितीकरण बना रहा। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने भी इस क्रिप्टो घोटाले का मुद्दा भी सदस्यों के सामने रखा। कुलपति डॉक्टर रेणु जैन का कहना है कि कोरोना काल में भवन के कंस्ट्रक्शन को रोका गया है। इसके अलावा फैकल्टी की नियुक्ति के साथ ही दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को मानदेय पर विचार किया जा रहा है। अभिजीत सिंह और दीपक सिंह के साथ ब्यूरो राकेश सचर की रिपोर्ट। 1.5 साल बाद हो रही है जैसा आपने बताया, और कुल इसलिए इसमें बहुत सारे मुद्दे इकट्ठे हो गए थे। पहले हम लोग जब सितंबर में करने वाले थे तब करीब 12-13 मुद्दे थे, पर क्योंकि और डिले हो गई तो अब उसके बाद कुछ मुद्दे और जुड़ गए, तो एक सप्लीमेंट्री एजेंडा और जुड़ गया था, और अभी तो एक चेयर से भी आना बाकी है, तो अभी कभी काफी सारे मुद्दे हैं। तो जो फर्स्ट हाफ में जो पहले जो ओरिजिनल मुद्दे थे वो पूरे हो चुके हैं, और उस पर सबसे पहले मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि पूरा सदन का जो रवैया था बहुत ही सहयोगात्मक था, और पूरा प्रशंसा उन्होंने जितनी भी अनुशंसाएं की वो यूनिवर्सिटी के हित में की, और इसलिए मैं उन सबको धन्यवाद भी आपके से देना चाहती हूँ। पूरा ऑफिशियल औपचारिक धन्यवाद तो आखिर में दिया जाएगा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से भी मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। पूरे सदन का पूरा व्यवहार बहुत, वित्त समिति की जो मीटिंग थी, वित्त समिति की मीटिंग में दो बड़े बड़े मुद्दे थे, उनमें से एक था जो हमारे समिति के कर्मचारी हैं जो जिनको 90% का लाभ नहीं मिल पाया, तो उनको क्योंकि शासन के आदेशानुसार हम 90% का लाभ नहीं दे सकते थे, तो एक दूसरे तरीके से उनको इंटरिम रिलीफ के रूप में 30% की राहत दी गई, उसको मिलाकर करीब वो 85% तक हो जाता है ज़्यादातर लोगों का। तो ये मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा था, वित्त समिति में उसका अप्रूवल हो चुका था, उसके बाद लीगल ओपिनियन भी ली गई थी, उसके बाद आज यहाँ से उसको पूरा अनुमोदन मिल गया, और बहुत ही पूरे सदन ने एक मत से उनको स्वीकृति दी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।